वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सीएलसी से। आज अपन सॉल्यूशन करेंगे डायमंड टेस्ट सीरीज का दंगल वन। ये जो आपके पार्ट टेस्ट वन से थ्री हुए उनका कंबाइंड एक अपन कहें सिलेबस का टेस्ट। इसमें पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। मॉलिक्यूल ये दिया हुआ है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है, दिए गए यौगिक का आईयूपीएसी नाम बताना है। तो देखो, मॉलिक्यूल को अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहाँ कार्बन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मतलब एल्केन मॉलिक्यूल। और एल्कीन मॉलिक्यूल है तो पहला टारगेट अपना होगा मैक्सिमम कार्बन की लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर। अब मॉलिक्यूल ड्रॉ यूं किया गया है कि 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन इस एम में लगती है। रॉन्ग बटा अगर अपन ये सिलेक्शन कर रहे हैं तो रॉन्ग है। रीजन उसका क्योंकि ये मस्ट नहीं है ना कि अपन इसको इथाइल ब्रांच ही सेलेक्ट करें, ये चेन का पार्ट भी हो सकता है। तो इसका मतलब टू कार्बन ये कंसिडर कर लें तो फिर ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ कार्बन, टोटल चेन सिक्स की भी हो सकती है। हाँ, ये मेथिल लो या वो लो, तो बस इसमें मेन ट्विस्ट यही है। तो यहां पे अपन कहें तो जो लॉन्ग चेन है वो यहां से यू सेलेक्ट की जाए तो ज्यादा बेटर है। मैक्सिमम कार्बन कितने आ जाएंगे, सिक्स आएंगे, इससे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है, बस इस इथाइल वाला ही केस। अब यहां पे सिक्स कार्बन की चेन लोगे तो बाकी रिमेनिंग ब्रांच रहेगी, मॉलिक्यूल कैसा होगा, हेक्स रूट वर्ड वाला, और सिंगल बॉन्ड का है तो एन। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेक्सेन पेंटेन पेंटेन हेक्सेन, अगर आपने सिलेक्शन प्रॉपर कर लिया तो यहां पे ये वाले ऑप्शन पे आप नहीं जाओगे, क्योंकि पेंटेन इसका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, हेक्सेन। अब दोनों में से कौन सा हो, फर्स्ट हो या फोर्थ हो, ऑप्शन की हेल्प ली तो दो हटा दी, अब बाकी दो पे काम करना है तो हम इसकी नंबरिंग कर लें। देखो, अगर अपन कहें इस इथाइल वाली लोकेशन से शुरू करते हैं, इथाइल वाला केस अगर ये अपन देखें, इसको थोड़ा मैं ओपन कर दूं, ये लो इथाइल अपन यू ले लें और यहां पे ये वाला मिथाइल। अब नंबरिंग अगर मैं यहां से शुरू करूं तो 1 2 पे मिथाइल आ जाएगा और यहां से चलूं तो 1 2 3 पे आएगा। तो बेटर अप्रोच है कि अपन नंबरिंग कहां से करें, यहां से करें 1 2 3 4 5 6। यहां आपके पास ऑप्शन है, मैंने इसे बंद दिया, आप इसको भी बंद दोगे तो चलेगा, क्योंकि ये भी यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन है, तो बोले तो अपने बस ये भी ऑप्शन है और इस साइड से जाते तो भी यही आना था। तो ओवरऑल इस नंबरिंग का बेनिफिट क्या है, लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो कर लिया हमने, पहला मिथाइल कितने पे आ गया, 2 पे, और नेक्स्ट वाला कितने पे आ गया, 4 पे। तो यहां देखो 2 4 डाई मिथाइल और यहां 2 3 डाई मिथाइल, तो 2 के बाद अपन कहें तो 3 पे तो नहीं है, मिथाइल कौन सी लोकेशन पे है, 4 पे, 2 4। तो यहां पे इन हेक्सेन हेक्सेन में से बेस्ट जो है वो कौन से वाला, ये 2 पे, नेक्स्ट 4 पे, तो 2 4 डाई मिथाइल वाला लोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसके लिए परफेक्ट रहेगा, आंसर 4 देंगे इसके लिए। क्लियर है, इजी है क्वेश्चन, नेक्स्ट देखें। इसके बाद द आईयूपीएसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड, ये भी आईयूपीएसी नेम का है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आईयूपीएसी नेम बताना है। तो मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करने से लगता है कि मॉलिक्यूल कौन सी कैटेगरी का, एल्कोहल, क्योंकि सीनियर ग्रुप OH है। एल्कोहल का लॉन्ग चेन ले तो ये जो आपको साइकिल दिखाई दे रही है सिक्स कार्बन की, यही वाली इसकी मेन चेन होगी। लेकिन अगर मेन ग्रुप भी अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है और आप ऑप्शन की थोड़ी हेल्प ले रहे हो तो कंफर्म है मॉलिक्यूल की नेमिंग में जो सफिक्स आएगा वो क्या आएगा, ओल आएगा। तो यहां साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेन, अगर आप इसको देख रहे हो तो यहां एन एन दिया, मतलब सफिक्स का यूज नहीं किया, कंफर्म हो गया कि अपने को फर्स्ट और फोर्थ में से चूज नहीं करना, यह अपना आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या रहेगा, साइक्लोहेक्सेन 3-ol, साइक्लोहेक्सेन 1-ol। लो साहब, इसमें भी कंफर्म है आपका जो सीनियर ग्रुप है वो नंबरिंग में नंबर 1 लेगा, साइकिल का केस है, मेन ग्रुप जहां पे अटैच है उस कार्बन को नंबर 1 देके अपन इस साइड में जाएंगे, सबस्टिट्यूएंट को बेनिफिट देंगे। लेकिन सबस्टिट्यूएंट कहां जाएगा, 3 पे, ओल 3 पे क्यों जाएगा, जहां पे वो कह रहा है ओल 3, इसका मतलब नंबरिंग कहां से शुरू की है, मेथिल से, रॉन्ग नंबरिंग है, तो इसका मतलब ये 3-ol वाला भी रॉन्ग हो गया। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा रहा, थर्ड, क्यों, 3-3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, 3-3 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनॉल, तो ये परफेक्ट है, यहां पे आंसर जो रहेगा वो कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित संरचनाओं पर विचार करो, चार मॉलिक्यूल गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करनी है, ऑब्जर्व क्या करना है पहले जरा देख लो, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच रेफरेंस टू द अबव 4 स्ट्रक्चर, ऊपर वाली स्ट्रक्चर के रेफरेंस में जो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। उपरोक्त चार संरचनाओं के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, तो भाई ये ऑप्शन भी देखो क्या कहता है, 1 2 3 किरेल यौगिक है, 1 2 3 4 किरेल यौगिक है, 1 3 किरेल है, 1 2 4 एकिरेल है,
वन टू थ्री आर काइरल कंपाउंड, वन टू थ्री फोर आर काइरल कंपाउंड, वन थ्री आर काइरल एकाइरल, मीनिंग समझ में आ गए। मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करें, ये कंफर्म करें काइरल कौन सा है एकाइरल कौन सा है, ये जानना चाहता है। अब वापस से देखो भैया, अगर मैं स्ट्रक्चर नंबर वन को देखता हूं तो स्ट्रक्चर नंबर वन में ये वाला कार्बन जिसमें मैंने स्टार मार्क किया ये काइरल है, ओनली वन काइरल कार्बन, और ओनली वन है तो सिस्टम भी काइरल ही है। क्यों? क्योंकि एथिल मैथिल प्रोपिल और एक वैलेंसी इसकी हाइड्रोजन हो जाएगी, तो ओवरऑल ये काइरल कार्बन हुआ, वन काइरल हुआ, एक्टिव होगा। नेक्स्ट वाले पे जाएं तो देखो यहां पे CHO कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दिया और इसको थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लोर कर दिया, तीनों से क्या होता है तो दोनों CHO काइरल नहीं है ये, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला अपने ऑप्शन में नहीं आएगा, काइरल नहीं एकाइरल है ये। अब आइए थर्ड वाले पे, थर्ड वाले पे अपन कहें ये मैथिल कंटेनिंग कार्बन, ये वाला अपन कहें तो काइरल नहीं है, वजह ये मैथिल ये वाला भी मैथिल, तो ये अवॉइड करो ये नहीं लेना है, लेकिन ये मैथिल है ये एथिल है और ये पूरा ग्रुप अलग है तो ये काइरल, तो ओवरऑल ये जो थर्ड है ये भी काइरल हुआ, फर्स्ट जो है वो भी काइरल हुआ। और फोर्थ पे जाए ये ग्रुप यहां तक एथिल, ये वाला ग्रुप भी यहां तक एथिल, तो ओवरऑल काइरल नहीं है। तो काइरल अगर मैं कहूं तो कौन कौन से आए, वन और थ्री। अब ऑप्शन देखो, वन टू थ्री काइरल, टू तो गलत ले रहा है, वन और थ्री काइरल है, टू तो काइरल नहीं, टू तो एकाइरल है, CHO सेम आ गया। वन टू थ्री फोर काइरल नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि वन टू थ्री फोर काइरल कैसे हो सकता है, चारों काइरल नहीं अपने पास, तो दो ही काइरल है, तो यहां कहता है वन थ्री कीरेल है, वन थ्री आर काइरल कंपाउंड, बिल्कुल ठीक, या आंसर बिल्कुल फिट बैठ रहा है, वन और थ्री काइरल है। और फिर गए तो वन टू फोर एकाइरल, तो यहां देखो एकाइरल की बात करूं तो टू भी है फोर भी है बट वन तो नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं बैठेगा, तो ऑप्शन जो रहेगा परफेक्ट वो कौन सा, थर्ड। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ब्यूटूइन किसके कारण ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है, ब्यूटूइन एग्जिबिटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू। देखो पहले तो मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, ये बेटा फोर कार्बन का ब्यूट है, टू इन कहूं तो सेकंड नंबर पर डबल ले लो, ये ब्यूट टू इन है, एग्जिबिटेड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई शो करेगा। अब जीआई शो करने का रीजन क्या होगा, ये आपके सामने जो सिस्टम है ब्यूट टू इन वाला, ये जीआई शो करता है यहां पे इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, अपन कहें तो जीआई की कंडीशन फुलफिल हो रही है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, ग्रुप भी फोर है, फोर प्लेनर भी है, और बोले तो ये डिफर भी, लेकिन लॉजिक क्या बता रहा है, रोटेशन अराउंड सी टू सी थ्री डबल बॉन्ड, रोटेट नहीं करता, सी टू सी थ्री जो बॉन्ड है ये, इसकी नंबरिंग अपन करें तो इस कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में रोटेशन नहीं होता, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है, तो रोटेशन अराउंड सी थ्री सी फोर ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड सी वन सी टू, ये जो सी वन सी टू है ये रेस्ट्रिक्ट रोटेशन वाला थोड़ी है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अलाउड सी टू सी थ्री बॉन्ड, ये परफेक्ट है, फोर्थ आंसर आएगा इसके लिए। तो सी टू सी थ्री द्विबंध के चारों ओर प्रतिबंधित घूर्णन, क्योंकि जीआई की कंडीशन है एल्कीन में जीआई होगी तो बाधित घूर्णन होना चाहिए, प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, तो आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोमर ऑफ एथेनॉल इज, एथेनॉल का समावयवी है। देखो बेटा जी एथेनॉल जो है वो है ये वाला मॉलिक्यूल, एथेनॉल कहेंगे। अब आइस ऑप्शन दिया है मेथेनॉल, अब मेथेनॉल जो है ये इसका एथेनॉल का आइसोमर नहीं हो सकता, क्योंकि आइसोमर बनने के लिए समावयवी बनने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तो दोनों में कार्बन का नंबर ही सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे सेम होगा। डाई एथिल ईथर, अब डाई एथिल ईथर कहें तो ये एथिल लो, नेक्स्ट ओ लो, फिर एक एथिल लो, तो सब यहां भी प्रॉब्लम आ गई, कार्बन का नंबर फोर है, हम जिसके साथ इसको आइसोमर रिलेशन देखना चाह रहे हैं उसमें कार्बन ही टू है, फॉर्मूला मैच नहीं करेगा। मैथेनल, मैथेनल कहें तो ये मैथेनल है, तो मैथेनल में भी कहें तो अपन कंपेयर कर रहे हैं इससे, तो इसमें कार्बन टू है इसमें वन है, तो ये वाला भी केस नहीं चलेगा, तो कंफर्म आंसर फोर्थ होगा, डाई मैथिल ईथर। अब ये देखो सब डाई मिथाइल ईथर ये है और ये एथेनॉल का आइसोमर है, क्योंकि दोनों में कंपेयर करें कार्बन का नंबर टू है, हाइड्रोजन का नंबर सिक्स है, ओ है, सेम फॉर्मूला, डिफर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, तो इसलिए अपना जो आंसर रहेगा इसमें कौन सा, फोर्थ। नेक्स्ट देखें इसके बाद एन आर, दो स्ट्रक्चर दी हुई हैं, इन दोनों में रिलेशन बताना है, रिलेशन क्या है, देखो सब यहां पे इसने एसीटोन का अल्फा लोकेशन पे एक एनायनिक फॉर्म दिया है,
इस नेगेटिव चार्ज को अगर आप यहां से मूव करके इस बॉन्ड को यहां रोटेट कर दें, क्योंकि नेगेटिव और पाई का अल्टरनेट ऑर्डर है, रेजोनेंस होना है, और ये इसने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर है नहीं, ये टॉटोमर है नहीं, टॉटोमर में प्रोटोन माइग्रेशन होता है। फिर कहें ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फोर्थ इसके लिए परफेक्ट आंसर है, ये दोनों दोनों ने रेजोनेंस किया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट कहें विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेव बोथ एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड एज एन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करता है। भाई पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसी इलेक्ट्रोफाइल है, नेगेटिव चार्ज वाली न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां अगर मैं कहूं तो ये जो साइनाइड है, साइनाइड में एक पोलैरिटी यूं है कि नाइट्रोजन की एन हाई है, तो बॉन्ड ओपनिंग यहां नेचुरली होगी, प्लस माइनस चार्ज आएगा, प्लस की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक साइट है इसमें, नेगेटिव की वजह से न्यूक्लियोफिलिक साइट है, दोनों साइट है, इसलिए एम्बिफाइल कह सकते हैं अपन, दोनों टाइप का बिहेव शो कर सकता है। फिर अपन कहें फॉर्मेल्डिहाइड, सेम सीन यहाँ है, पोलर बॉन्ड है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पोल बनेंगे, दोनों बनेंगे तो इसलिए दोनों टाइप का बिहेव शो करेगा। पाई बॉन्ड वाले जो सिस्टम होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, लॉन पेयर वाला, नेगेटिव वाला, पाई वाला, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अपन कहें बोथ वन एंड टू, वन ऑन टू में ये पॉसिबिलिटी है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या देंगे अपन, फोर्थ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कमेंशन, हीट ऑफ कमेंशन अपन कहें तो इक्वल है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कमेंशन, ये तो रिलेशन लगता है अगर मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर चेंज होता हो, या फिर दूसरा केस है स्टेबिलिटी का अपोजिट भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे कार्बन का नंबर चेंज हो रहा है, एक सिक्स कार्बन वाला, एक फाइव वाला, एक फोर वाला, एक थ्री वाला, तो हीट ऑफ कमेंशन अपन कहें तो मैक्सिमम कार्बन मैक्सिमम हीट ऑफ कमेंशन, हीट ऑफ कमेंशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम बढ़ेगा तो हीट ऑफ कमेंशन बढ़ेगा, तो ए बी सी डी, कार्बन डिक्रीज हो रहा है, हीट ऑफ कमेंशन डिक्रीज हो रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन में जो दिया है यही आंसर है इसका, ये फर्स्ट वाले में ए में सबसे ग्रेटर दिया है। फिर कहें हम ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ए बी सी डी, तो बेटा यहां पे आपके पास ओ एच ओ एच ओ एच सी ओ एच गिवन है, तो भाई अगर मैं यहां पे बात करूं सी ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक लेवल एल्कोहल या फिनॉल से बेटर है, ये ओ एच जो है वो फिनोलिक है और बाकी दोनों एल्कोहल हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग पे जो ओएच है वो फिनॉल, इनके डाटा भी अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो आपको मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक का अप्रोक्स 4.76 एसिटिक का होता है या 5 की लाइन में माने, और फिनॉल का अपन कहें तो 10, रिमेनिंग उसमें ग्रुप ऐड होते हैं तो उसका चेंज आएगा, तो फिनॉल से बेटर एसिड कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक, तो टॉपर होगा सी, ये आंसर रॉन्ग है क्योंकि टॉपर ए को दे रखा है, टॉपर सी को दे रखा है, सी को दे रखा है, तो इसका मतलब अगर अपन ये भी जान गए कार्बोक्सिलिक टॉपर है तो ये कंफर्म हो गया कि अपना आंसर टू और थ्री में से आना है। चलो सी दोनों में टॉपर दे दिया, सी के बाद हमें ए पे जाना है क्योंकि वो फिनोलिक है, सी के बाद ए, सी के बाद ए, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया आंसर सेकंड आएगा। अब इन दोनों में से इसने बी वाले को बेटर क्यों माना, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है बेटा, ये वाला सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहां पे अपन कहें तो आंसर जो रहेगा वो कौन सा, टू, सी ए बी डी। ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी कंसेप्ट क्या है, लॉन पेयर अवेलेबल होना चाहिए, रेजोनेंस नहीं करे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये वाला लॉन पेयर लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस में बिजी नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस करेगा, ये बहुत पावरफुल रेजोनेंस करेगा क्योंकि सीओ तो एक अच्छा सा माइनस है, माइनस आई ग्रुप भी है, तो क्वालिटी रेजोनेंस यहां होगा, यहां अपन कहें तो उतना बेटर नहीं क्योंकि विनाइल ग्रुप जो पीछे वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो उतना अग्रेसिव रेजोनेंस नहीं करेगा, तो यहां पे अगर मैं तीनों में कंपेयर करूं तो लोकलाइज्ड के बेस पे टॉपर वाला बेस जो बनेगा ए बनेगा, तो ए यहाँ टॉपर दिया हुआ है, ए यहाँ टॉपर दिया हुआ है, इन दोनों में नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को छोड़ दो, तो बेटर तो कौन आएगा, ए। ए के बाद अगर अपन बी और सी में कंपेयर करें तो सी बेटा जी अमाइड है, अमाइड का सीओ, सीओ में अपन कहें तो ई एन गैप की वजह से माइनस एफ ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पाएगा, तो ज्यादा बेटर रेजोनेंस नहीं है, तो नहीं है तो अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा रेजोनेंस करेगा उस रेजोनेंस में बिजी रहेगा तो अच्छा बेस कैसे होगा, तो ए के बाद अपन लेंगे सी को, तो ए के बाद सी, मतलब आंसर कौन सा रहेगा, सेकंड। फिर देखिए इसमें विच रिएक्शन इंटरमीडिएट इज फॉर्मड व्हेन Br2CCl4 रिएक्ट विद साइक्लोहेक्सीन, बेटा जी ये है साइक्लोहेक्सीन, Br2CCl4 का मतलब Br2 में एक हेटरोकट होने के बाद Br पॉजिटिव Br नेगेटिव आयन बनेंगे, इलेक्ट्रोफाइल Br जाके जब इस इन पे इंटरेक्ट करता है तो एक ब्रिजिंग करता है, बोले तो ब्रिज्ड कार्बोकेटायन हेलोनियम आयन बनता है, तो यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये देखो ये ब्रिज बना के दिया हुआ है,
इसलिए रिएक्शन नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन वाली होती है, विदाउट रीअरेंजमेंट वाली। बीआरबीआर का एंटी एडिशन भी इसलिए होता है। तो यहां पे ये फोर्थ जो ऑप्शन दिया है बेस्ट है। तो फोर्थ किसमें दे रखा है आपको? फोर्थ दे रखा है आपका, फोर्थ में ही दिया हुआ है। तो आंसर जो रहेगा इसका कौन सा? फोर। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप चौधरी, टीम केमिस्ट्री सीएलसी। तो दंगल फर्स्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, उसके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, इन द गैसियस रिएक्शन 2A plus 3B change in 2C plus 5D. 20 mol of A and 24 mol of B are taken initially. At the 50% completion of reaction, the mol of C and D form respectively. तो एक रिएक्शन आपको दे रखी है जहां पर A और B है, जो रिएक्टेंट है उसकी मोल आपको गिवन है, आपको प्रोडक्ट C और D है उसकी मोल पूछे हैं, और वो मोल पूछे जब 50% रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो हम देखिए इसको करते हैं, तो देखिए क्या है, 2A plus 3B ये कन्वर्ट हो रहा है 2C plus 5D, इसके अंदर कन्वर्ट होगा। इनिशियली आप देखते हो इसके मोल है 20 मोल, इसके कितने मोल है 24 मोल, ये 0-0 हो गए। अब 50% रिएक्शन कंप्लीशन पे, तो कोई भी रिएक्शन है वो कंप्लीशन, अगर दो रिएक्टेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवेन है तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट क्या करते हो, जो भी मोल इनिशियल गिवेन है डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहां पर आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 डिवाइड बाई 2 10, और यहां पे क्या 24 डिवाइड बाई 3 तो कितना होगा 8। इसका मतलब ये हमारा जो लो वैल्यू आती है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग C का फॉर्मेशन होगा। तो देखो रिएक्शन क्या बोले, अगर इसका 3 मोल रिएक्ट करता है तो इसका कितना मोल बनेगा 2 मोल, 3 के रेस्पेक्ट में ये कितना बन रहा है 2, तो 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 2/3, और ये 24 है 50% कंप्लीशन है, इसका मतलब 12 मोल है वो कंप्लीट हो चुके। तो ये देखो 12 मोल कंप्लीट होंगे तब इसका कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 12, 4 2 8, तो सी है उसके कितने मोल बनेंगे 8। ऐसे डी के मोल देखोगे तो 3 के रेस्पेक्ट में डी के कितने मोल बन रहे 5, 1 के रेस्पेक्ट में 5/3, और 12 इसके रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना होगा 20 मोल। तो सी है उसके तो 8 मोल का फॉर्मेशन होगा, और डी है उसके 20 मोल है उसका फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, व्हेन 1.04 ग्राम ऑफ BaCl2 इज प्रेजेंट इन 10^5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, ppm के अंदर कंसंट्रेशन पूछा है। तो जैसे ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, जैसे परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट पर 100 के रेस्पेक्ट में देखते हैं, वैसे ppm में हम किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, 10^6 है उसके रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे। तो देखिएगा क्या होगा ppm के अंदर, ये आपके पास में BaCl2 है, सॉल्यूशन है 10^5 मल्टीप्लाई 10^6, कैंसिल करोगे कितना बच गया 10, तो कितना होगा 10.4 ppm। बहुत इजी सा क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, इफ m रिप्रेजेंट मोलर मास ऑफ MnO4, तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास इफ इट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एज शोन। देखो MnO3, ये आपको दे रखा है MnO3, ये कन्वर्ट हो रहा है MnO4 नेगेटिव के अंदर जा रहा है, और किसमें जा रहा है Mn+2 इसके अंदर जा रहा है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है 8/3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है +2, तो 8/3 से +7 में जा रहा है तो यहां पर तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 8/3 से +2 में गया लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो जब ये इसके अंदर जा रहा है तब एज ए, जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा, और यहां पर ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव करेगा। इसका एन फैक्टर मैं मान लेता हूं N1 है, इसका एन फैक्टर हो गया N2, ये मान लेते हैं। और आपको ये पता है एन फैक्टर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन उसके लिए वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है, N1 × N2 / N1+N2। N1 जब ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, N2 जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसकी तरह बिहेव कर रहा है। देखिएगा, देखो N1 कैलकुलेट करते हैं क्या होगा, 7 − 8/3, ये डिफरेंस है ऑक्सीडेशन स्टेट का, लेकिन कितने के लिए कैलकुलेट करना है, 3, Mn कितना गिवन आपको 3 गिवन है, तो 3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 तो कितना हुआ 8 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 13, N1 आ गया आपके पास में 13। ऐसे N2 कैलकुलेट कर लो कितना होगा, 8/3 − 2 × 3, क्योंकि n फैक्टर क्या होता है,
किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में पर मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर उसमें चेंज को बताता है। तो देखिए कितना होगा, यह होगा 3, 8 - 6 × 3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा N2। तो N1 और N2 आपने देखा, N1 कितना है 13 और ये कितना है 2 अपॉन 13 + 2, तो कितना होगा 26/15। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी यहां पे क्या कैलकुलेट करना आपको, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर कितना होगा 26/15, तो कितना होगा 15 m/26। तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, थर्ड वन। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो वैलेंसी फैक्टर होता है n1 × n2 / n1 + n2, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, ये आपको एक रिएक्शन दे रखी है और ये करके ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है कि एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसका रिडक्शन भी हो रहा। तो यहां पे देखो ये S0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे किसमें जा रहा है 2 नेगेटिव में, और यहां पे किसमें जा रहा है, तो ये देखो किसमें होगा +4 के अंदर। तो आप यहां पे देख रहे हो इसका 0 से इसमें जा रहा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका रिडक्शन हो गया और यहां पे इसका क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। सही है बात, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑलवेज कंटेन एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। देखो ये 0 हो गए, -2 + 4 है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, तो एक एलिमेंट 2 के अंदर जा रहा है, इसका मतलब कितने ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करेंगे, 3। लेकिन अगर बाय डेफिनेशन बात करें, बाय कंडीशन तो ये बात सही है, लेकिन बाय डेफिनेशन ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन आप बात करोगे तो एक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए उसका रिडक्शन भी होना चाहिए, ठीक है ना, तब वो डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। ऐसी बात करें अगर कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है तो वहां पर भी 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एक सेम में जा रहा है, तो वहां पर भी कंडीशन तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, लेकिन वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं बोल सकते। तो आप ये कह सकते हो ये आपका ना स्टेटमेंट भी सही है, उसका रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बाय कंडीशन तो सही है, बाय डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो कौन सा होगा, ए और आर दोनों ट्रू है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जहां पर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव के अंदर आती है, डेल्टा जी <0 या डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो हमेशा क्या होता है स्पॉन्टेनियस। हीट ऑफ कंबेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड बेंजीन की हीट ऑफ कंबेशन दे रखिए और हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है बेंजीन के लिए। तो देखो ये बेंजीन है, इसका फॉर्मेशन आप कर रहे हो 6 carbon 3 H2। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, एक मोल का फॉर्मेशन करते हैं उसके मोस्ट स्टेबल एलिमेंट से या एलोट्रोपिक फॉर्म से। लेकिन आपको जो डेटा की मैंने हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा हो किसकी टर्म में, हीट ऑफ कंबशन की टर्म में, तो यहां पर जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा वो हीट ऑफ कंबशन की टर्म में आप देखोगे तो क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन बोल दो या हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल दो कंबशन की टर्म में, तो हीट ऑफ कंबशन ये होता है रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबशन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं। तो रिएक्टेंट में देखो क्या आपके पास में कार्बन कितने 6 पर मोल कितनी गिवेन है A1, तो -6 A1, फिर प्लस करोगे 3 हाइड्रोजन तो -3 A2, माइनस प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट की कितनी गिवन है -A3, तो क्या होगा -6 A1 - 3 A2 और माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना बचा +A3। तो -6 A1 - 3 A2 + A3, बस इतना ध्यान में रखना कि पूछा क्या गया उससे मतलब नहीं आपसे, उसको तो आप हीट ऑफ रिएक्शन मान लो, आपको गिवन किसके टर्म में उसको ध्यान देना। तो आपको कंबशन की टर्म में आपको कैलकुलेट करना है हीट ऑफ रिएक्शन या हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो गिवन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो कंबशन के रेस्पेक्ट में कोई भी रिएक्शन है उसकी जो एंथैल्पी होती है वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडियाबेटिक कंप्रेशन। एडियाबेटिक कंप्रेशन करते हो क्योंकि वैल्यू कितनी होती है 0, एडियाबेटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता, डेल्टा वी <0, इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है कंप्रेशन के अंदर, तो इंक्रीज होगी नेगेटिव में नहीं आती पॉजिटिव के अंदर आ गई, तो फॉल्स स्टेटमेंट पूछा फॉरवर्ड।
नेक्स्ट देखिएगा, द केएसपी की वैल्यू आपको गिवन है एम ए एम बी एम सी एम डी, इनके लिए केएसपी की वैल्यू आपको गिवन है। इफ ए सॉल्यूशन ऑफ एम एक्स इज एडेड ड्रॉफाइज टू द मिक्सचर कंटेनिंग 0.01 एम ईच ऑफ ए नेगेटिव बी नेगेटिव सी नेगेटिव डी नेगेटिव आइन, देन द वन विच प्रेसिपिटेट फर्स्ट विल बी, कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जिसकी केएसपी की वैल्यू कम होती है वो सबसे पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो सबसे कम केएसपी की वैल्यू किसकी आ रही है, ये गिवन है ना 1.8 × 10⁻¹⁰, ये केएसपी मिनिमम है, जहां पर केएसपी की वैल्यू जितनी कम होगी जिस इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका प्रेसिपिटेशन उतना ही इजिली हो जाएगा। तो कौन सा होगा, एम ए। द पीएच ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एम जी ओ एच हॉल्ट वाइज इज अप्रोक्सीमेटली, इसकी पीएच कैलकुलेट करनी है, केएसपी की वैल्यू आपको गिवेन है, देखो बेस गिवेन आपको, ये आयनाइज होगा क्या देगा, एम जी प्लस टू और टू ओ एच नेगेटिव, तो ये होगा एस और ये क्या होगा टू एस। तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, टू एस के बराबर है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो तो KSP इक्वल टू क्या होगा आपके पास में S और ये क्या होगा 2S की पावर 2, तो क्या होगा 4S क्यूब इक्वल टू KSP, जिसकी वैल्यू गिवन है 1 × 10⁻¹⁰, तो S इक्वल टू क्या होगा 1/4 × 10⁻¹⁰ और पावर कितने लगाओगे 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 कितना होता है 0.25, इसको मैं ये लिख देता हूं 2.5 × 10⁻¹⁰ इसकी पावर 1/3, तो S इक्वल टू मेरे पास में कितना आएगा 1.35 × 10⁻⁴, ये आ गया। लेकिन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन S की इक्वल नहीं है, किसकी इक्वल है 2S की इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन वो किसके बराबर है 2S के बराबर, तो क्या होगा 2 × 1.35 × 10⁻⁴, तो 2.70 × 10⁻⁴। तो यहां से मेरे पास में पीओएच आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आएगी, तो पीओएच कैलकुलेट करेंगे, पीओएच क्या होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, तो देखिएगा पीओएच कैलकुलेट करो इसका 4 − log 2.7, देन 4 − log 2.7 इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.43, तो सॉल्व करते हैं तो पीओएच इक्वल टू 3.57, देन पीएच इक्वल टू 14 − 3.57, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 10.43। थर्ड वन, के डब्ल्यू ऑफ वॉटर एट 373 केल्विन इज 1 × 10⁻¹⁰ आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो यहां पे के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻¹⁰, तो पी के डब्ल्यू क्या होता है, पी के डब्ल्यू कितना आ गया 12, और न्यूट्रल पॉइंट पीएच या फिर पीओएच क्या होता है PKW डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 6। तो यहां पर pH की वैल्यू कितनी होगी, यहां पर वाटर की 6, ठीक है, इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट कौन सा होगा 6, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो न्यूट्रल ये भी सही है, ये भी सही है, वाटर इज एसिडिक, एसिडिक नहीं है, कैसा होगा न्यूट्रल। इफ 50 ml of 0.2 m KOH is added to 40 ml of 0.5 m HCOOH formic acid, the pH of the resulting solution is, देखो एक एसिड दे रखा है, एक बेस दे रखा है, क्या किया, ये आपके पास में एसिड है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ में करवाई आपने, तो फॉर्मेशन होगा HCOOK+H2। T equal to 0 time पे एसिड है, उसके मिलीमोल देख लो कितने होंगे 20 मिलीमोल, इसके कितने होंगे 10, ये 0 0, कौन कंप्लीट होगा यहां पर KOH, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ये 10, तो ये कितना बनेगा 10, ये भी 10 है ये भी 10 है। तो देखो वीक एसिड आपके पास में और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में उसका सोल्ट है, इसका मतलब क्या बन गई, बफर सॉल्यूशन बन गया, एसिडिक बफर, और एसिडिक बफर उसके लिए पीएच आप जानते हो, पीएच इक्वल टू क्या होता है पीके प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड इसकी कंसंट्रेशन, सॉल्ट और एसिड दोनों की वैल्यू कितनी है 10, मोस्ट एफिशिएंट बफर, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो लॉग वन हुआ, लॉग वन की वैल्यू कितनी होगी 0,
इसका मतलब यहां पर पीएच है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पीके, पीके के बराबर। और के की वैल्यू आपको गिवन है, तो देखो पीएच क्या होगी, 4 माइनस 1. लॉग 1.8, 1.8 है उसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 0.26 होती है, तो 4 माइनस 0.26 कितना होगा, 3.74। फर्स्ट वन। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ आईपी फर्स्ट एंड आईपी सेकेंड ऑफ मैग्नीशियम आर 178 एंड 348, व्हाट विज द रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन मैग्नीशियम Mg प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम है ये, पहले तो किसमें जा रहा है, Mg प्लस 1 में जाएगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकल के क्या होगा, Mg प्लस 2 में जाएगा, ये वाला होगा IP फर्स्ट, ये होगा हमारा IP सेकंड। तो यहां से यहां पर दोनों को ऐड कर दो, ये कितना गिवन आपका 178 और ये कितना 348, कितना हो जाएगा 526, ये रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई, रेडियाई का कौन सा ऑर्डर करेक्ट होगा। हम ये जानते हैं कि एनायन की साइज होती है वो न्यूट्रल एटम से हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने से शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इनर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बढ़ गया। तो देखो ये वाला आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, O2 नेगेटिव और F नेगेटिव आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा या जिसका एटॉमिक नंबर जितना कम होगा उसकी साइज उतनी ज्यादा होगी। तो किसकी साइज ज्यादा होगी, O2 नेगेटिव की F नेगेटिव से ज्यादा होती है, लेफ्ट राइट जाने पर साइज डिक्रीज होती है। तो न्यूट्रल में देखेंगे तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन स्मॉल होता है, फ्लोरीन, कौन सा हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, लिथियम एग्जिबिट सिमिलरिटी विद मैग्नीशियम ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप किसके कारण होती है, ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक पोटेंशियल होता है उनका, फाइ क्या होता है, क्यू अपॉन आर, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, ठीक है, इसलिए उनकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ हेलोजन आर प्रेजेंट इन वन प्लेन ऑफ डाइमर ऑफ ICl3, ये ICl3 इसका डाइमर बनाते हैं, क्या बनेगा I2Cl6, ये बन गया, ये वाली स्ट्रक्चर में रहेगा। ये Cl, ये वाला परसेंट लोन पेर है, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2, दो लोन पेयर है तो क्या होगा स्क्वायर प्लेनर, दोनों स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है, सारे एलिमेंट है हेलोजन और सारे किसमें प्रेजेंट है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ये हेलोजन है वो एक ही प्लेन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी नोडल प्लेन आर प्रेजेंट इन सिग्मा एस एंटीबॉन्डिंग, एंटीबॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, देखो जैसे ये मान लिया मैंने एस है, ये प्लस ये माइनस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो इस टाइप से होगा, आपस में मिल ही नहीं पाएंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक यहां पे क्या होता है नोडल प्लेन, तो यहां पे सिग्मा एंटीबॉन्डिंग होगा वहां पे कितना नोडल प्लेन होता है 1। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सीजियम ब्रोमाइड, देखो ये होता है सीजियम प्लस पॉलीहैलाइड होता है Br3 नेगेटिव, इसमें प्रेजेंट होता है। Which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? S3O8 contain no SS linkage. इसमें कोई SS linkage नहीं है. सही, ये वाला हो. कोई भी SS linkage यहां पे प्रेजेंट नहीं है. पहले ही सही है. इसमें बोलो कि contain O linkage नहीं, सल्फर सल्फर linkage होता है. ऐसे देखो मेटाफॉस्फेट होता है तो मेटाफॉस्फेट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो वहां पर POP बॉन्ड होता है. ऐसे देखो मार्शल एसिड है उसका A9 है तो SS लिंकेज नहीं होता, प्रॉक्सी लिंकेज होता, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है, तो कौन सा होगा फर्स्ट वन। एयर पॉल्यूटेंट दैट प्रोड्यूस फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक इसके कारण होता है नाइट्रस ऑक्साइड, पान और एक्रोलिन, इसके कारण एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का याद रखने का। मैच द कॉलम, कॉलम को मैच करना है, प्रोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN पर ऑक्सी, अभी देखा था ना किसमें होता है, फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो कौन सा होगा कार्सिनोजेनिक। मर्क्यूरी के कारण मिलीमीटर डिजीज होती है, आयर एक्टिव मॉलिक्यूल्स है जिसके कारण क्या आएगी ग्लोबल वार्मिंग, तो
तो ए के अंदर थ्री, ए के अंदर थ्री, बी के अंदर फोर, सी के अंदर वन एंड डी के अंदर टू. ठीक है. डायबोरेन रिएक्ट विथ वॉटर टू फॉर्म बी टू एच सिक्स. जब इस वॉटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है H3BO3 और हाइड्रोजन. ये हाइड्रोलाइज होकर ये बनाता है, बोरिक एसिड और हाइड्रोजन देता है. कौन सा होगा? थर्ड वन. एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, बट एल्यूमिनियम इज लेस इजिली कोरोडेड दैट आयरन, बिकॉज क्योंकि हम ये पढ़ के आते हैं एल्यूमिनियम होता है वो अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है. तो ऑक्सीजन फॉर्म प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन एल्यूमिनियम सरफेस. ठीक है. मेथेनाइड आर, इनमें से मेथेनाइड कौन, कौन से मेथेनाइड है इसके अंदर? देखो ये वाले बी टू सी, इसको आप देखोगे कैसे आयनाइज करोगे, टू बेरिलियम प्लस टू. एक बेरिलियम पे प्लस टू चार्ज है तो दो पे कितना होगा? प्लस फोर. तो सी पे कितना होगा? फोर नेगेटिव. ये होगा मेथेनाइड बन गया. क्योंकि जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. और किसका फॉर्मेशन होगा? मेथेन का. दूसरा देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3, तो क्या होगा? फोर एल्यूमिनियम प्लस थ्री, तो थ्री कार्बन पे कितना होगा? फोर नेगेटिव चार्ज. वही हाइड्रोलाइसिस करोगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और किसका फॉर्मेशन होगा? मीथेन का होगा. ऐसे ही अगर आप कैल्शियम कार्बाइड को देखोगे तो कैल्शियम प्लस टू, तो सी टू टू नेगेटिव, तो यहां पर तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा. एसिटिलीन बना, मेथेन लाइट नहीं बना. तो मेथेनाइट कौन सा होगा? बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोजन प्रोक्साइड कैन बी ऑब्टेन व्हेन फॉर्मिंग रिएक्शन विथ H2SO4 एक्सेप्ट विथ. अच्छा, तो लेड ऑक्साइड इसकी जब H2SO4 से रिएक्ट करवाते तो फॉर्मेशन होगा लेड सल्फेट का फॉर्मेशन होगा, वाटर इसका फॉर्मेशन होगा, यहां पर हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मेशन नहीं होगा. बाकी सभी से प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड होते हैं एस ब्लॉक वाले, इससे हाइड्रोजन प्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है. हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, आइडेंटिफाई द साइट वेयर इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस. इलेक्ट्रॉन से नहीं एरोमेटिक प्रतिस्थापन कहां संपन्न होगा? देखो बेटा यहां पे आपको ए बी बी सी ए सी, मतलब ये तीन लोकेशन दिए सी बी ए, जहां पे ई एस आर हो, तो ई एस आर या ई ए एस आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग की है. ये वाली रिंग पे वो जानना चाहता है कि अटैक कहां हो. तो आप जानते हैं ये वाला लोन पेयर है तो प्लस एम ग्रुप है, ये भी लोन पेयर है तो प्लस एम ग्रुप है. प्लस एम जो होता है वो कैसा बिहेव करता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव की तरह. तो इस ओ की वजह से भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थो कौन सी हुई? सी. और पैरा कौन सी हुई? ए. और इसके लिए अपन देखें तो ए इसकी ऑर्थो हुई और सी इसके लिए क्या हुई? पैरा. तो ओवरऑल ए और सी दोनों के लिए फेवरेबल आ रही है, चाहे आप ओ के लिए देख लो या एन के लिए देख लो. तो ए सी किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है, तो ये आपका ए सी रहेगा, थर्ड आंसर रहेगा. मतलब हमें ये देखना डायरेक्टिव इफेक्ट क्या है. फिर देखें सब आगे वाला एग्जांपल, एक फेमस रिएक्शन है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन. ये अपने को डिसाइड करना है. देखो यहां पे बेंजीन पे रिएक्शन होनी है, बेंजीन का लिविंग एज जाना है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कराना है. ये जो लेविस एसिड गिवन है ये इस बॉन्ड को कट नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, एल्काइलेशन नहीं होगा, क्लोरोबेंजीन पार्टिसिपेट नहीं करता फ्रेडल क्राफ्ट में. जबकि ये वाला सीएल जो है ये लेविस एसिड के साथ जाके इसको इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर देगा और वो इलेक्ट्रोफाइल होगा ये वाला. इस इलेक्ट्रोफाइल को आप बेंजीन पे एच की जगह पे ऐड कराइए तो बेंजीन पे ये वाली स्पीसी एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे. देखो ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल रहा, बेंजीन पे है, ये थर्ड में दे रखा है. यहां पे क्लोरो का लोकेशन रॉन्ग कर दिया, गलत हो गया. यहां पे इसने इस क्लोरो का यूज कर लिया डीबीसी वाले का, नहीं करना चाहिए था. फिर अपन कहें तो ये भी रॉन्ग है, ये भी परफेक्ट नहीं है, ये वाला थर्ड आएगा इसका. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद NbSCCl4? NbSCCl4 सनलाइट के साथ अभिक्रिया कौन करेगा? देखो बेटा ये जो रिएजेंट होता है ये मेनली काम करता है किसके लिए? एलाइलिक बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन के लिए. तो भाई ये लोकेशन एलाइलिक तो है बट एलाइलिक एच नहीं है सिस्टम में. ये वाली लोकेशन अपन कहें बेंजाइलिक तो है बट बेंजाइलिक एच नहीं है. रिएक्शन FSR के लिए आपको क्या चाहिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए बेंजाइलिक एच, एलाइलिक एच, इन दोनों में नहीं है. यहां पे इसके बाद अपन कहें तो ये लोकेशन एलाइलिक भी है और इधर से देखें तो बेंजाइलिक भी है और दो दो एच भी प्रेजेंट है, टॉप लोकेशन अवेलेबल है, बिल्कुल यहां रिएक्ट होगा. इस वाले सिस्टम में तो ये एल्केन है, एल्केन के लिए अपने को डायरेक्ट हैलोजन हेल्प सनलाइट हीट ये सब लेना होता है. तो इसलिए इसके लिए आंसर जो रहेगा वो कौन सा? थर्ड. फिर देखो यहां पे आयन दी है H2PdCaCO3,
तो एक फेमस कॉम्बिनेशन है लेंडलार, लेंडलार अपन कहें तो एक आइन को कन्वर्ट करेगा किसमें, इन में, इन भी कौन सी, सिस। तो देखो ये आइन इस इन में कन्वर्ट हो, इस इन में कन्वर्ट हो, एन में कन्वर्ट हो, गलत ये तो नहीं होगा, इन में कन्वर्ट हो। तो ये तीनों ऑप्शन अभी तक ठीक जा रहे हैं 1 to 4। अब आगे देखो क्या कराता है, KMnO4 hot, KMnO4 hot का इन पे यूज करें अपन, तो KMnO4 hot क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यहां पे इसमें कट लगेगा, दोनों पीस अलग हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में कार्बोनिल बनेगा और कार्बोनिल आगे एसिड में जाएगा। तो यहां पे इसने इसको एसिड में कन्वर्ट किया, लेकिन ये बीच में एक्स्ट्रा कार्बन कैसे डाला, ये वाला कार्बन ही कार्बोक्सी में कन्वर्ट होना चाहिए, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। इस वाले में जाओगे, ये कटिंग करोगे तो ये बेंजोइक, ये बेंजोइक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इस वाले में जाओगे कटिंग करके इसने एल्डिहाइड तक ही इसको ऑक्सीडाइज किया, ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट ले रखा आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट लिया है, तो आंसर जो जाएगा कौन सा, सेकेंड। नेक्स्ट, दो अमिश्रणीय द्रवों वाली एक बोतल आपको दी जाती है, उन्हें का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। ए बोटल कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड्स इज टू यू दे आर मे बी सेपरेटेड बाई यूजिंग, भाई दो इमिसिबल लिक्विड है, अमिश्रणीय लिक्विड है, उनके लिए आप किसका यूज करोगे। ऑप्शन देखो, भिन्नात्मक संदम, फ्रैक्शनल कोलम, फ्रैक्शनल कोलम, कोलम क्रोमेटोग्राफ, फ्रैक्शनल कोलम अगर अपन कहें तो अपन डिस्टिलेशन मेथड में यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, लेकिन यहाँ पे जो बात कह रहा है इसके अकॉर्डिंग ये मैच नहीं है। सेपरेटिंग फनल, पृथककारी की, बिल्कुल ठीक है, दो लिक्विड हैं, दोनों दोनों मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो सेपरेटिंग फनल या पृथककारी कीप से उसको आप अलग कर सकते हो। निर्वात आसवन, भाप आसवन, ये नहीं, इसके लिए जो आंसर रहेगा वो कौन सा, 2। हाँ जी बेटा जी, देखिए क्या कहते हैं, भाप आसवन में वाष्पशील कार्बनिक यौगिक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इन स्टीम डिस्टिलेशन। भाप आसवन में जो मटेरियल का वेपर प्रेशर है वो उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टीम डिस्टिलेशन में एक मटेरियल को हम स्टीम से वोलेटाइल करते हैं, तो स्टीम से वोलेटाइल करते हैं तो मटेरियल का जो प्रेशर है वेपर प्रेशर और वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इन दोनों का जो सम है वो इक्वल होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो मटेरियल का अगर P1 मानते हैं, वाटर का अगर P2 मानते हैं, तो इसका मतलब इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगा, क्योंकि इन दोनों का सम इसके इक्वल है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। वायुमंडलीय दाब से कम होता है, लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, यही जाएगा इसके लिए सेकंड आंसर। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अधिक नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का सम करके इसके इक्वल आएगा, तो ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट अपन कहें एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट, ये भी इस पे एप्लीकेबल नहीं है, जो बात पूछना चाह रहा है वो अपन कहें तो सेकंड आंसर आएगा इसके लिए, ठीक है बच्चों। 192, 0.4 ग्राम ऑफ पॉलीबेसिक एसिड, ये वाला एसिड है HNA, रिक्वायर 1 ग्राम ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, द वैल्यू ऑफ N वुड बी, और मॉलिकुलर वेट आपको एसिड का गिवन है 96, ठीक है। जब भी एसिड बेस की रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल कर दो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। और ग्राम इक्विवेलेंट गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर, ये क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होता है NaOH का 1, तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 96 अपॉन 16, कितना होगा 6, फर्स्ट वन। तो जब भी एसिड बेस रिएक्शन का क्वेश्चन हो तो आपको उनके दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट वन देखिए, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 3 बोर ऑर्बिट इज, 3 बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, देखिएगा आर इक्वल टू होता है R1 हाइड्रोजन एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं, बोर के लिए तो यहां पर फर्स्ट वाले के लिए एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आ गया, सेकेंड के लिए एन की वैल्यू कितना रखोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर एन की वैल्यू 3 रखोगे कितना होगा 9, 1, 4, 9। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन इन बोर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज फॉल फ्रॉम 5th ऑर्बिट टू ग्राउंड लेवल, जब भी हायर ऑर्बिटर से अगर ग्राउंड लेवल के अंदर आता तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2 ग्राउंड लेवल के लिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 5, 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना 20,
डिवाइड बाई टू तो कितना जाएगा 10। ठीक है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड फेरिक हाइड्रोक्साइड वुड बी मैक्सिमम, अपोजिट आइन के अंदर मैक्सिमम होगी, जितना ज्यादा एस प्लस आइन मिलेगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो सबसे ज्यादा किसके अंदर होगी, इसमें देखो 0.1 और यहां पर दो एच प्लस आइन का तो कितना होगा 0.2, जिसमें सबसे ज्यादा होगी। 2 mol of nitrogen is mixed with 6 mol of hydrogen in a closed vessel of 1 liter capacity. If 50% of nitrogen is converted into ammonia at equilibrium, the value of Kc of the reaction. ये reaction आपको given है, इसके लिए Kc की value calculate करना है. N2 plus 3H2. Change हो रहा है 2NH3. ये 2 mol है, 6 mol, ये कितना होगा 0. 1 liter, 50% nitrogen convert. तो ये मान लो कि x टूटा, ये मान लेते तो ये कितना होगा 3x और ये कितना होगा 2x और 50% है तो 2 का 50% कितना हो जाएगा 1, तो कितना बनेगा ये 1, ये कितना होगा 3 और ये कितना होगा 2। वॉल्यूम 1 लीटर है तो डायरेक्ट आप मोल को यूज में ले सकते हो किसी के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में कितना 2, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिकॉग्नाइज पावर तो 2 की पावर 2 और ये कितना होगा 3 × 3 × 3 नाइट्रोजन का तो 1 तो 4/27 फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ओजोन, ओजोन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये देखो ये होता है ओजोन एंगुलर शेप है सही, डायमैग्नेटिक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, पैरामैग्नेट नहीं, पैरामैग्नेटिक नहीं है, कैसा होता है डायमैग्नेटिक, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पैरामैग्नेटिक हो नहीं सकता। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, तो देखिए क्या होगा, टाइटेनियम हो, कैल्शियम और बेरिलियम है, ये तो एस ब्लॉक के मेटल हो गए और टाइटेनियम होता है वो मेटेलिक कंडक्टेंस शो करता है, सबसे ज्यादा किसके हुई टाइटेनियम की, उसके बाद में कौन सा होगा कैल्शियम हाइड्राइड की होती है आयनिक, ये तो कोवलेंट टाइप का होता है, तो कौन सा होगा सेकेंड वन। नेक्स्ट देखिएगा 199, पोर्टलैंड सीमेंट हैज, पोर्टलैंड सीमेंट में मैक्सिमम कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, लर्न करने वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूछा, देखो H2O2 किसमें ब्रेक होगा H2O+ ½O2, इसका मतलब इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल बनेगा हाफ मोल, ये हुआ 1 मोल का मास, मोलर मास के बराबर होता है कितना होगा 34 ग्राम, 1 मोल कोई भी गैस है वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते 22.4 लीटर, जबकि हाफ मोल कितना करेगी 11.2 लीटर, ये होगा क्लियर हो। अब देखो क्या दे रखा है, द स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज, तो 10 वॉल्यूम इसका मतलब इसका 1 मोल से कितना बन रहा है 10 वॉल्यूम दे रहा हूं, यानी 10 लीटर ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो देखो क्या हुआ 11.2 लीटर, ये कितने से होती है 34 ग्राम से, तो 1 लीटर से कितनी होगी 34/11.2 और 10 लीटर कितने से होगी 34/11.2 × 10, ये हुआ सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 30.36 ग्राम पर लीटर, कौन सा हो गया 4। ठीक है, तो ये था बेटा आपका दंगल का पेपर, आपने बहुत अच्छे से किया होगा और जो भी डाउट है वो आपके क्लियर हो गए होंगे, तो एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहेगा, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट।